हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है छठ का दूसरा दिन खरना और मम्मी बना रही है ऊपर छत पे प्रसाद और हम लोग चल रहे हैं ऊपर व्लॉगिंग करने के लिए। यहाँ पे देखिए सब कोई बैठा हुआ है, तो चलिए आते हैं ऊपर से होके। यहाँ पे मम्मी पूजा करने के बाद डायरेक्ट ऊपर चली गई। जैसे कि आपको पता है आज खरना है, छठ का दूसरा दिन है, तो यहाँ पे मम्मी दूध उबाल रही थी खीर के लिए। और जैसे खीर के लिए चावल डाल दी तो इधर आटा सान रही थी कि धीरे धीरे खीर होगा, तब तक इधर हम आटा सान लेते हैं, फटाक से रोटी बना लेंगे। तो जैसे ही खीर बना मम्मी अपना जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और हम लोग बोले कि हम लोग बना देते, तो मम्मी बोली कि 2 मास है इसलिए इस बार कुछ भी नया नहीं करना है, अगले साल से बनाना, इस बार हम लोग बना लेते हैं। क्योंकि मम्मी हर साल मम्मी बनाती थी, नानी भी करती थी, तो मम्मी फास्टिंग में रह के बनाती थी, मगर टाइम से सारा प्रसाद बन चुका था। मम्मी यहाँ पे रोटी में घी लगा के और चाय का दूध उबाल के जो भी फ्रूट्स वगैरह आज चढ़ता है वो सब धो के मम्मी रूम वगैरह सब कुछ धो ली थी, क्योंकि मम्मी को ना एक एक चीज़ साफ़ चाहिए, इधर मत छुओ उधर मत छुओ के कारण मम्मी सब कुछ जो है खुद से बहुत नीट एंड क्लीन कर ली थी। बाबू रेडी हो चुकी थी, देवरानी सब कुछ करके ऊपर गई थी। उसके बाद फाइनली गाइस अब हम लोग जा रहे हैं रेडी होने के लिए। यहाँ पे हमने कपड़ा निकाल के रखे हुए हैं, बाबू भी जा रहा है रेडी होने के लिए, तो चल लिए हम लोग चलते हैं। रेडी होने के बाद आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। हम लोग तैयार हो रहे थे, मम्मी नहा धो के ऊपर आ गई थी और मम्मी के संग देवरानी भी आ गई थी। मम्मी प्रसाद को लगा रही थी क्योंकि टाइम हो चुका था और आंटी भी आ चुकी थी। आंटी यहाँ पे पूजा इसलिए कर रही थी क्योंकि आंटी का बाबू हुआ था, मतलब पोता हुआ था, तो उनको पूजा नहीं करना था, वो बस प्रणाम करेंगे और फास्टिंग में रहेंगी खरना करने के लिए। वो यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे मम्मी सब कुछ अरेंज कर रही थी जिस तरह से भगवान को भोग लगाया जाता है। क्या आपके यहाँ भी इस तरह से पूजा होता है? तो आप कमेंट या लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ब्लॉग को एंजॉय करिए। यहाँ पे दीदी लोग भी आ गई थी, हमारी पूरी फैमिली आ गई थी और यहाँ पे पूजा को एंजॉय करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए का प्रणाम करने के लिए मम्मी सबको बुला रही थी। दे दी थी और सब कोई छत पे ही बैठ के हम लोग प्रसाद खा रहे थे। हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे थी और उसके बाद यहाँ पे मम्मी के लिए चाय बना रही थी चूल्हे पे, तो ये चूल्हा वाला चाय जो है ना सबको अच्छा लगता है, तो मम्मी के संग हम लोग भी इंजॉय कर लेते चाय को। उसके बाद दीदी जा रही थी घर, तो हम लोग आ गए थे नीचे दीदी को छोड़ने के लिए। तब तक हमारे बहनोई साहब भी आ गए थे। फाइनली गाइज यहाँ पे मैं सबको पहले खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मम्मी को खिलाऊंगी, क्योंकि दर्द थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ क्योंकि आज बहुत सारा काम है, फिर कल सुबह भोर में भी उठना है, इसलिए तो यहाँ पे मैं पूरी बना रही हूँ। उसके बाद जो है मम्मी को जाऊंगी खिलाने और फिर पूजा का बर्तन साफ करूंगी, उसके बाद फिर हम किचन साफ करेंगे, तब
तक मिलते हैं सबको खाना खाने के बाद। तब तक हम लोग नीचे करके ऊपर आए, तब तक मम्मी लोग खावा ली थी, तो हम लोग सोचे मम्मी जब खा ही लिए तो हम लोग जो बर्तन वर्तन है वो धो लेते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग बर्तन वगैरह धो लिए, अब जाते हैं मम्मी का थोड़ा सा बेड वेड लगा लिए मम्मी, थोड़ा सा पैर वैर दबा देते हैं, उसके बाद नीचे जाते हैं। तो हम लोग खाना वाना खाए, कपड़े सारे आज के डाल दिए थे रात में ही, अब जाते हैं मम्मी का थोड़ा सा पैर वगैरह दबा देते हैं, उसके बाद जाएंगे नीचे खाना। आज का पूजा बहुत अच्छे से हो चुका है, जैसे कि आप लोग को पता है कि सुबह में भोर में उठ के प्रसाद बनाना है गए, तो हम लोग का खाना पीना हो चुका है और हम लोग ने किचन भी नीट एंड क्लीन कर लिया। तो चलो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग किचन नीट एंड क्लीन कर लेंगे, क्योंकि सुबह उठ के भोर में जब नहाने से पहले हम लोग चाय पी, तो यहाँ पे हमने पूरे किचन को चमका लिया है और यहाँ पे हमने बर्तन वर्तन भी धो लिया है। सुबह में बर्तन स्टैंड में लगाऊंगी और अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट में, क्योंकि सुबह मुझे 3 बजे उठना है, अभी 12:30 बज रहे हैं। तो इसलिए तो आपके ब्लॉग के लिए मैं बहुत सारा मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक मुझे प्यार देना और मेरे वीडियो को लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलना। जैसे आप शॉर्ट्स को प्यार देते हो उसी तरह मेरे ब्लॉग्स को भी प्यार दो, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी आपके सामने। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे प्रसाद बनाने के टाइम। कंटिन्यू रहिएगा और ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दीजिएगा गाइस, आप लोगों का सपोर्ट का ही मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। जिस तरह से आप बहुत शॉर्ट्स को प्यार देते हो उस तरह मेरे ब्लॉग्स को भी प्यार दो और ब्लॉग्स में कंटिन्यू रहो। और मिलते हैं नेक्स्ट डे 3rd डेज के संग छठ के, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।